Hello, my friends. Welcome to Discovered Wisdom. Here, myself, Krishna Mukherjee, an educator at Discovered Wisdom Network. Here, you can get all kinds of video related to competition examination purpose. So this video is especially based on UPSC and PCS level of exams. In this channel, you will get special general science GS video lectures, which will follow the UPSC and state PCS level of competitive exams. So in this video, you will get introductory discussion of UPSC and PCS level of exam. So अब हम अगर आगे बात करें जो हमारे हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं, सो उनसे हमारा एक ये मैसेज डिलीवर करना है कि आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है. ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरीके के बच्चों के लिए है कि जनरल साइंस से रिलेटेड सारे वीडियो अवेलेबल यहाँ पे आप तक करवाए जाएंगे और आपको ये बताया जाए कि YouTube में ये पहला इनिशिएटिव है जहाँ पे GS से रिलेटेड फुल कोर्स के वीडियोस लेक्चर स्पेशल रेप्यूटेटेड मुखर्जी नगर दिल्ली के फैकल्टीज के द्वारा अपलोड करवाए जा रहे हैं. सो अगर हम बात करें सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जनरल साइंस के वीडियोस लेक्चर हैं. सो जो नीडफुल बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिलता है. सो आई होप दैट ऑल यू लाइक इट एंड प्लीज शेयर दिस मैसेज टू ऑल योर फ्रेंड्स रिलेटिव एंड टू एवरीवन दोज हु वांट टू बिकम एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी पीसीएस लेवल ऑफ एग्जाम्स. सो अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. क्लासेस के अगर हम बात करें तो क्लासेस की जो वीडियो है वो कुछ निम्नलिखित है कि एग्जामिनेशन देखिए अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें जो फ्रेशर हैं उनके लिए स्पेशली ये डिस्कशन को मैं कर रहा हूं. जिनको भी ये पता नहीं है कि यूपीएससी और पीसीएस लेवल के एग्जाम किस बेस पे होते हैं उसके स्ट्रक्चर क्या है सो आपको ये बताया जा रहा है कि एग्जाम्स के दो स्टेज हैं. फर्स्ट प्रीलिम्स एंड सेकंड मेंस. सो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर वन जिसे जीएस पेपर वन कहते हैं एंड जीएस पेपर टू जिसे सीसेट कहते हैं. सो जीएस पेपर वन में आपको कट ऑफ को आपको पार करना पड़ता है जबकि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है. अगर हम लोग अपने इस टेबल में देखें सो जीएस पेपर वन जो है ऑब्जेक्टिव बेस पे है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं जबकि मार्क्स 200 का है और टाइम जो होंगे टोटल 2 आवर्स के होंगे. और जीएस पेपर टू की बात करें सी सैट एप्टीट्यूड वाले पेपर की सो ये भी ऑब्जेक्टिव है. 80 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स 200 और ड्यूरेशन सेम 2 आवर्स. लेकिन आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो प्रीलिम्स के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर जो हैं ये नेगेटिव मार्क्स के बेस में होते हैं. सो मेंस में अगर देखें तो यूपीएससी का मेंस में अगर पेपर की बात करें सो पेपर ए और पेपर बी लैंग्वेज और इंग्लिश के पेपर से कंसिडर किया जाता है. पेपर ए इंडियन लैंग्वेज को लेकर बताया गया है जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जितने भी लैंग्वेज को अप्रूव की गई है उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को आप चूज करके यहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं. इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 3 आवर्स होगा और टोटल मार्क्स 300. पेपर बी की बात करें तो ये प्रॉपरली इंग्लिश पेपर है. इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे अपने आप को अभी से ही कमांड बनाना पड़ेगा. इस पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का होगा और टोटल मार्क्स यहाँ पे इसके 300 हैं. सो ये तो रहा पेपर ए और पेपर बी. ठीक है, ये सभी के लिए ये कंपलसरी है और बाकी जितने भी पेपर्स हैं ये भी कंपलसरी है. लेकिन यहाँ से आपका जो जीएस का जो एक जर्नी शुरू होता है सो ये हमें एक देखने को मिलता है अलग डायमेंशन में. जैसे पेपर वन की अगर हम बात करें ए से सो ए से में भी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे जनरल स्टडी का ही आपको इफेक्ट यहाँ देखने को मिलते हैं क्योंकि ए से में बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं वो सोशल कॉजेस को लेकर एनवायरमेंट को लेकर अलग अलग फैक्टर्स जो जनरल स्टडी से डायरेक्ट लिंक करते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है. सो ड्यूरेशन एसे का 3 आवर्स होता है. इस पेपर का भी एग्जाम 3 आवर्स का ड्यूरेशन है जबकि
यहाँ पेपर वन से लेकर पेपर सेवेंथ तक ध्यान दीजिएगा, जो टोटल मार्क्स है वो 250 के बेस में है। मतलब पेपर ए और पेपर बी सिर्फ टोटल मार्क्स 300 एंड 300 का है, जबकि पेपर वन से लेकर पेपर सेवेंथ तक 250 मार्क्स के पर पेपर यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। सो पेपर टू की बात करें, जनरल स्टडी पेपर, जनरल स्टडी पेपर वन है, पेपर थ्री जनरल स्टडी पेपर टू है, फिर जनरल स्टडी पेपर थ्री, जनरल स्टडी पेपर फोर, नेक्स्ट पेपर सिक्स एंड सेवन ऑप्शनल, ये दो ऑप्शनल के पेपर हैं, ये भी 3 आवर्स के और 250 मार्क्स के हैं। सो ऑप्शनल में आप उन सब्जेक्ट को आप रखें जो आप अपने ग्रेजुएशन में या जो आपका एक कमांडिंग चैप्टर हो, सो जिसमें आपका एक मजबूती से बेस बना हो, जिसके ऊपर आपने एक बहुत लंबे समय तक उस पे आपने रिसर्च, अपना मेहनत, अपना एक डीप नॉलेज आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने गेन किया हो, सो उसको आप ऑप्शनल में रखेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम लोग बात करें पर पेपर, जैसे जीएस पेपर वन की बात कर रहे थे, और ये जो हम लोग डिस्कवर विजडम नेटवर्क में जीएस के बेस में जो ये इनिशिएटिव जो कर रहे हैं आप सभी के लिए, सो स्पेशली यही हमें देखना है जनरल स्टडी के इन सभी पेपर्स को, कि जनरल स्टडी के पेपर वन, जनरल स्टडी के पेपर टू, जो एक गेम चेंजर का काम यहाँ एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है। ऐसे तो हर कोई हर अपने मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी के बेस में करेंगे, लैंग्वेज सभी को उतना ही पढ़ना है, लेकिन जनरल स्टडी का जो डायमेंशन, वास्ट डायमेंशन जो हमें देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो, किस अप्रोच के साथ मेहनत करते हो, किस बुक्स, किस कंसेप्ट को लेकर, किस तरीके का आप थिंकिंग एबिलिटी आप यूज यहाँ करते हो, किस तरीके से आप कोरिलेट करते हो। ये जो आपके सामने जीएस के चार पेपर जो दिखते हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री एंड पेपर फोर, सो पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री एंड पेपर फोर की अगर हम बात करें, ये सारे पेपर को कोरिलेट करके आपको पढ़ना है, ना कि इंडिविजुअल, क्योंकि सबसे मेन यहाँ पे बात आपको समझना है, एग्जामिनर जो एग्जाम को कंट्रोल करवाते हैं या कमीशन जो एग्जाम जो ले रहे हैं, उन्हें रोबोट का आवश्यकता नहीं है, उन्हें एक प्रॉपर डेवलप्ड माइंड का जरूरत है, जो हर विषय को हर तरीके से वे जोड़कर जानता हो, समझता हो, उससे जुड़ा हुआ उसके पास सारा नॉलेज एक अवेलेबल हो। सो हमें अपने प्रिपरेशन में इस स्ट्रेटेजी को एक इम्पॉर्टेंट रूप में देखते हुए अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अब जनरल स्टडी पेपर वन की अगर बात करते हैं, तो इसमें इंडियन हेरिटेज कल्चर से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हमें वर्ल्ड का देखना है और इंडिया का देखना है, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जनरल स्टडी पेपर टू की अगर बात करें, तो यहाँ गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड हम लोग अपने लेक्चर्स को देखेंगे। जनरल स्टडी पेपर थर्ड की बात करें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात यहाँ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडी पेपर फोर की बात करें, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो आप लोग से यहाँ पे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई अपने माइंड में इस सिलेबस को फिक्स्ड कर ले, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखने को मिलती है, जब तक आपको ये सिलेबस याद नहीं होगा, तब तक आप जो करेंट इवेंट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं जो अलग अलग फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो और आपको कोई ऐसा एक न्यूज मिल रहा है जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो आप अगर उसको पेपर वन से अगर जोड़ करके पढ़ोगे, तो आपको ये याद हो जाएगा कि आज इस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये हमारा काम पेपर वन में आएगा। सो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस अगर फैक्टर्स या कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज आपका पेपर टू से लिंक कर रहा है। सो ये चीज आपको समझना है, सिलेबस को आपको एक अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लेना है पहले ही स्टेज में। अब ऑप्शनल की बात करें, तो ऑप्शनल में पेपर फोर और पेपर सिक्स एंड पेपर सेवन्थ की बात करते हैं। इसमें जो दिए गए जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके
कमांड में हूँ, एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, फिलॉसफी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट्स आपके रिस्पेक्टिव जिसमें आपने एक बेहतर कमांड बनाया हो उसको आप ऑप्शनल के बेस में चूज कर सकते हैं, और उसको ही आप जब अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो ऑप्शनल की तो ये बात रही, और लिटरेचर जो हमने बात किया था अपने स्टार्टिंग में, मेंस के सिलेबस के स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि पेपर ए जो इंडियन लैंग्वेज के लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है, सो वो फॉलोइंग लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इंडिया के जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हो, जिस लैंग्वेज को भी आप कैरी करते हो, सो वो लैंग्वेज को आप अपने लिटरेचर पोर्शन में यूज कर सकते हो। असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, एक्सेट्रा। सो ये हमारा एक बेसिक शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न से रिलेटेड, जो हमें हर स्टेट के पीसीएस में भी लगभग ये यूज देखने को मिलती है। पीसीएस में भी प्रीलिम्स और मेंस सेम इसी पैटर्न में होता है, सिलेबस भी सेम होता है। वो सिर्फ वो अंतर होता है कि स्टेट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स को आपको जानना है, किसी स्टेट में पर्टिकुलर कुछ अलग एक सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपको मेन जो कोर कमांडिंग जो एक स्केलेटन जो बताई जा रही है वो एग्जामिनेशन पीसीएस और यूपीएससी के बेसिस में ये आपको यहाँ पे बताया गया है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सो प्रीलिम्स और मेंस को एक ध्यान में रखते हुए करेंगे। 99% बच्चे जब अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं, मैंने ये बार बार इस बात को दोहराया है कि जब बच्चे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं तो वे लोग सोचते हैं प्रीलिम्स का प्रिपरेशन और मेंस का प्रिपरेशन सेपरेट वे में करेंगे, जबकि ये बहुत बड़ा गलती होता है। हमें प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन एक साथ एक तरीके से एक एक माइंडसेट बनाकर हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम होती है, पढ़ने के लिए बहुत सारे कंटेंट होते हैं। सो हमें इस स्मार्ट तरीके से हमें अप्रोच के साथ देखना है अपने नोट्स को, अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को, कि वो प्रीलिम्स का भी काम करे और मेंस का भी काम करे। सो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग जीएस का स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना जीएस पेपर वन, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। सो हम लोग पेपर फर्स्ट को शुरू करेंगे, जीएस पेपर फर्स्ट को, फर्स्ट पार्ट पे। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट थ्रू आवर हिस्ट्री वीडियो लेक्चर। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखें, अगले सेशन में हम लोग हिस्ट्री वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, और जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री रहेगा। सो एट लास्ट, सो एंड करने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इस चैनल का ये इनिशिएटिव अगर ये पसंद आता हो, सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, और जो भी नीडी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं बट एक बेटर प्लेटफॉर्म की कमी के कारण वे अपने प्रिपरेशन को कर नहीं पाते हैं, और एक फाइनेंशियल जो फैक्टर सबसे बड़ा कारण जो बन के उभरता है। सो इस प्लेटफॉर्म में आपकी उन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहाँ पे पूरे रूप से सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश पुरजोर की जाएगी। सो एट लास्ट वी इन द पावर वीडियो, सो गो थ्रू द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स एज वेल एज लीव लाइफ एज यू इमेजिन। सो टिल देन गुड बाय।